हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या लिखा है आपके टी शर्ट पे? पॉप आई। क्या नाम है आपका? दिव्यांशु शुक्ला। किसके साथ आई हैं आप? अपने ग्रैंडफादर, ब्रदर, मदर, फादर। चार लोग साथ में आए हैं? क्या बात। अरे वाह, म्यूजिक सीखते हो? नहीं तो कैसे कैसे आता है गाना वाना, कैसे सीखते हो? मोबाइल से सीखता हूँ। मोबाइल से मतलब मोबाइल का स्पीकर लगा के उससे सीखता हूँ। कौन से गाने सीखे हैं बताओ? बहुत सारे। अच्छा, आज कौन सा गाना? फेवरेट गाना कौन सा है? इश्क वाला लव। क्या बात है, सुनाएंगे आप? सुनाइए। टेन 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 डे। ओह, व्हाट म्यूजिक प्लीज। टेन 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 डे। टेन 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 डे। टेन 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 डे। सुखे वाला, सौज वाला, वैसे वाला ना होता है जो लव से ज्यादा, वैसे वाला लव, इश्क वाला लव। ओ ओ ओ ओ ओ टिन 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 टिन। सुपर्ब। टिन 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 टिन। ब्रिलियंट। Din 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 हो जाते मेरे होते होते होगा, सम जाए हम, थम जाए तुम, वो दिल मेरे टूट ज्यादा ज्यादा तारा जम तेरा, ज्यादा ज्यादा मांगू दिल तेरा, तभी ज्यादा ज्यादा माने ना फिर ये सर तेरा, इश्क वाला लव। बड़ा जल्दी नान था पर आज कुछ ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। जुको ने काट तो तुझे पता नहीं कि ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। अमेजिंग हुआ चुड़ैल कभी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। सूखे वाला, सौज वाला, फैज वाला लव, इश्क वाला होता है जो लव से ज्यादा, वैसे वाला लव, इश्क वाला लव। वन टू थ्री टू वन। सूखे वाला। दिव्यांशु जी कंपोजर हम है ना, हमने गाने यहीं पे समाप्त किए। दिव्यांशु जी, ये हमारा कंपोज गाना है और इसमें आपने बिल्कुल ये जो सब जो स्केल्स थे, बहुत मुश्किल स्केल्स हैं जो अंतरे के जो लाइंस है, जो म्यूजिक पीसेस के साथ आपने जो गाया, कमाल, मींस इट्स अनबिलीवेबल। कितने सिंगर है गाने में मालूम है आपको? दो। तीन है? तीन। कौन तीन पता है? एक तो ये है भाई साहब जो बैठे हुए यहाँ पे, दूसरे सलीम, सलीम सुलेमान के सलीम है ना कंपोजर वो, और तीसरी हमारी एक दोस्त है नीति मोहन, उन्होंने गाया। तीन सिंगर्स हैं, तीनों की आवाज में गाया और तीनों के पार्ट्स आपने गाए। क्या बात है, ऐसे करो। आप तो धुरंधर बाबा, कहाँ से आए हो आप? दहीसर से। दिव्यांशु आप बहुत बहुत टैलेंटेड हो और प्लीज आपके पूरे फैमिली से आप कहिए कि आपके लिए एक अच्छा गुरु रखें और जल्दी जल्दी शुरू कर दें आपकी। आपकी उम्र क्या है यार दिव्यांशु? 8 years। 8 years बॉस, अगर 8 years में बगैर सीखे इतना अच्छा गाते हो ना, थोड़ा सा सीख लोगे ना आप पूरा उस्ताद हो जाओगे। मैं तो चाहती हूँ कि आप आगे आए पर इन दोनों ने कह दिया, लेकिन आप तैयारी करोगे ना? ढेर सारी, अब आपको पता नहीं अब इतना टैलेंट। चलो एक काम करो, सेकंड राउंड में भी हाँ बोलता हूँ। हाँ चलो। रियली? यस। मैं भी हाँ बोलता हूँ, चलिए चलो आ जाओ। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? श्रीकांत नवीन सिंह। किसके साथ आए हैं आप? पापा के साथ। फैमिली में कोई गाता है? जी सब लोग गाते हैं। सब गाते हैं? सब मतलब
पापा, मेरी दीदी, मेरी मम्मी, मैं। मतलब प्रोफेशनली गाते हैं? पापा का भजन मंडली है। कभी गाया भजन मंडली में खुद? जी गाया है। जाता हूँ मैं पापा के साथ तो पापा का पूरा हेल्प करता हूँ और पापा के साथ हारमोनियम बजा देता हूँ। वेरी गुड। अरे क्या बात है, वेरी गुड, वेरी नाइस। सुनाइए क्या सुनाएंगे आज? सर मेरे को हारमोनियम चाहिए। हारमोनियम अब कहाँ से आएंगे? हारमोनियम नहीं है यहाँ पे, लेकिन आपको सुर दे देंगे। सुर बताइए क्या है, कौन से सुर? काली। हमें तुमसे प्यार कितना। नहीं एक मिनट, ये सुर से गाओ, काली एक से। हमें तुम, अभी गाइए, काली दो है, काली दो से। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। मैं तो सदा की। श्रीकांत जी, सॉरी सॉरी आपको रोका मैंने। आपके पिताजी आए हैं जी, आप बुलाएंगे उनको प्लीज जी। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता। डब स्टेप। नमस्कार। नमस्कार जी, आइए आइए। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार सिंह। नवीन जी, इनकी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है आज, इसका क्या कारण है? थोड़ा सा इसका आवाज़ पहले ही से थोड़ा, मतलब गाता तो अच्छा है हाँ, लेकिन कैसा है थोड़ा आवाज़, थोड़ा कैसा आइसक्रीम, थोड़ा कभी कभी ठंडा पानी पी लेता है, इसको मना करता हूँ, बच्चा है किसके, थोड़ा सा आवाज़ इसका बैठा हुआ रहता है ऐसा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ जी। उसने कहा आपके साथ वो गाता है जी भजन मंडली, मैं पूछना चाहती हूँ कितने कितने बार गाता है वो? ऐसा नहीं रहता, जैसे कि हम लोग भजन करने जाते हैं तो इसको क्लास करता है, इसको ज़्यादा लोग मैं मतलब नहीं देता हूँ ज़्यादा इसको ऊपर, दो तीन गाना, कभी एक गाना ज़्यादा फरमाइश होता है, जब पब्लिक जब ज़्यादा हल्ला करने लगता है, चिल्लाने लगता है, तो एक दो गाना इसको गवाता हूँ, नहीं तो नहीं गवाते। पहले हम और हम मैं मेरे साथ जो रहते हैं आदमी उसको मैं गवाता हूँ गाना। पर ये कितने बार होता है? हर दिन होता है ऐसा? हर दिन नहीं। श्रीकांत जी हमारे साथ वो बचपन से प्रोग्राम में जाता है, 7 साल के अंदर में जितना भी त्यौहार आया हम सभी प्रोग्राम यहाँ पर करते हैं भिवंडी शहर में, और सभी प्रोग्राम में हमारे साथ श्रीकांत जी जाते हैं। इतने छोटे उम्र में ही इतना ज़्यादा शोज या स्टेज पे बहुत ज़्यादा गवाना, थकान ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इतनी उम्र में जी। श्रीकांत अभी बेटा आप सीखो ज़्यादा, क्योंकि आप जब आवाज़ बहुत ज़्यादा चीख चीख कर स्टेज पे गाते हो, गला आपका इतना नाजुक सा है वो फटने लगता है। और आपकी उम्र क्या है अभी? 12 साल ना, अभी है वक्त 12, 13, 14, इस वक्त में आपकी आवाज़ भी बदलने लगेगी, तो अभी जो वक्त है इसमें बहुत केयरफुली आपको इसको हैंडल करना है बस। और ज़्यादा नहीं मांगना पापा से कि मुझे इधर भी गवाओ उधर भी गवाओ, मैं आपके साथ बैठूंगा, बैठना लेकिन गाना ज़्यादा नहीं हाँ, ठीक है? बैठो सीखो ये सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन अपनी आवाज़ का ख्याल रखो ठीक है? थोड़ा सा संभल के बेटा, ओके अगली बार मिलते हैं। चलिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।